प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हिमाचल के कोरोना योद्धाओं तथा वैक्सीन लगवाने वाले नागरिकों के साथ वर्चुअल संवाद कार्यक्रम को जिला हमीरपुर में 10 स्थानों पर बड़ी स्क्रीन लगाकर भी दिखाया गया। हमीरपुर जिला के टौणी देवी तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत कर जनता के साथ सीधा प्रसारण देखा। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रधानमंत्री का प्रदेश की जनता के साथ संवाद करने के लिए आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य विभाग, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को 100% वैक्सीन के लक्ष्य को सर्वप्रथम हासिल करने पर भी बधाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी लोग कोरोना के खिलाफ समर्पण भाव से लगे हुए थे, जिसके कारण विकट भौगोलिक परिस्थितियों होने के बावजूद प्रदेश ने 100% का लक्ष्य सर्वप्रथम हासिल किया है, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। हम धन्यवादी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। मैं हिमाचल के लोगों से क्या, सारे देश के लोगों से जब भी बात करते हैं बड़ी आत्मीयता से करते हैं, और हिमाचल में तो वर्षों तक रहने के कारण प्रत्येक क्षेत्र को, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। आज का अवसर हमारे लिए सचमुच में स्वर्ण अवसर था। हिमाचल प्रदेश ने वो उपलब्धि प्राप्त की है कि शत प्रतिशत टीकाकरण का पहला दौर पूरा कर लिया है और देश में प्रथम रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मेडिकल स्टाफ ने, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने, आशा वर्कर्स ने और अन्य सभी विभागों के कार्यकर्ताओं ने, वर्करों ने बहुत शानदार काम किया है। हमने सुना जैसे कि एक वैक्सीनेशन करने वाली कर्मी की पैर में चोट आ गई, फ्रैक्चर हो गया, उसके बावजूद वो लगी रही और उसने 22,500 लोगों को टीकाकरण किया है। इसका अर्थ है एक समर्पण की भावना से हमारे सब लोग लगे थे। भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश सरकार ने केंद्र की मदद से इतने शानदार प्रबंध किए कि इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसलिए मुख्यमंत्री जी उनकी टीम को और सारे वर्कर्स को, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स थे, चाहे पैरामेडिकल के थे या अन्य कोरोना वॉरियर्स से, उन्होंने जो काम किया वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है, इसलिए प्रधानमंत्री ने सराहना भी की है और ये आशा व्यक्त की है कि जो दूसरा दौर होगा जब दो टीके सबको लग जाएंगे, इसमें फिर हिमाचल प्रदेश प्रथम रहेगा। इसके लिए सबको धन्यवाद भी, बधाई भी और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं। धूमल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात की है, जिसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए कृषि, बागवानी, पुष्प उत्पादन, जड़ी बूटी उत्पादन तथा पशुपालन पर बल देने की आवश्यकता पर प्रधानमंत्री ने जोर देने को कहा है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदेश के किसानों व बागवानों को जो सलाह दी गई है उसका वे काम करेंगे और देश व प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। आज के संबोधन में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने एक और बहुत बढ़िया बात कही कि मैं चाहता हूँ कि जो सदियों से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, जैविक खेती होती थी, उसी पे हिमाचल वापस जाए। अगर हमारे किसान बागवान धीरे धीरे अपनी फसलों को जैविक तौर पर पैदा करना शुरू करें तो निश्चित तौर पर मूल्य भी ज़्यादा मिलेगा, उनकी उपयोगिता भी ज़्यादा रहेगी और मांग भी बड़ी होगी मार्केट में, और जब मांग ज़्यादा होती है तो ज़्यादा मूल्य मिलता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री की इस नसीहत का सब ध्यान रखेंगे और हमारा प्रदेश बागवानी के मामले में आगे बढ़ेगा। एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने कही है और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ना है तो सबसे ज़्यादा कृषि, बागवानी, पुष्प उत्पादन और जड़ी बूटी उत्पादन, पशुपालन पर ध्यान देना होगा, भेड़ पालन पर ध्यान देना होगा। ये हमारी ग्रामीण आर्थिकी को स्ट्रांग करने वाली चीज़ें हैं। आज सौभाग्य से प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया है। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में देश की 7.32% बायोडाइवर्सिटी है, तो साथ हर तरह की जड़ी बूटी यहाँ मिलती है। अगर हमारे लोग मेहनत करें, जो ई कॉमर्स की बात भी आज उन्होंने कही है,
कि अगर हम वैज्ञानिक ढंग से खेती बाड़ी करें तो जड़ी बूटियाँ लुप्त होती जा रही हैं, उनको बचाएं और उनका दोहन सही ढंग से करें तो बहुत बड़ा आमदनी का साधन प्रदेश के लिए और उत्पादक के लिए बन सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा 7.32% बायोडाइवर्सिटी यहाँ है, अर्थात हमारे यहाँ पंजाब की तरह गर्म जमीन भी है, मॉडरेट क्लाइमेट का मध्यम हिमाचल भी है और दुनिया का सबसे ठंडा डेजर्ट जो मरुस्थल है वो स्पीति में हमारे यहाँ है। तो हर किस्म की दवाई जड़ी बूटी यहाँ पैदा हो सकती है, उसको वैज्ञानिक तौर पर करने की आवश्यकता है और सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को उसका अनुसरण करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारी आर्थिक संपन्नता का एक कारण जैसे सेब है वैसे ही जड़ी बूटी और पुष्प उत्पादन भी होगा, ऑक्सीजन वेजिटेबल का होगा। तो अगर इन जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको फॉलो करेंगे तो प्रदेश बहुत आगे बढ़ेगा और फिर एक कीमतों की चक्कर भी नहीं पड़ेगा।